दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। किचन में आवे के बाद आज अम्मा और मम्मी का व्रत है, तो उनके लिए हम चाय और मखाने बना दिए। अम्मा धूप में बैठी हैं और बाकी और कुछ भी नहीं खाती हैं, सिर्फ चाय और मखान खा लेती हैं, वो भी बिना नमक का। आज बंदर बहुत ज़्यादा सुबह से आतंक मचाए हैं और भी मीठी जो है आज नहाए हैं। आज अम्मा मीठी नहा रहे हैं। हाँ, मीठी पूजा करी है आज। सकट पूजी है का मीठी। हाँ, तो मैंने आज नहाए नहीं। बढ़िया कर या पूजा अम्मा काहे करी जाती सकट के? सकट लड़की की पूजा है, वही जो संगठा मैया बनाई जाती है ना। हाँ, तो आप सभी लोगों का सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जो लोग आज व्रत हुई हैं अपने अपने संतान के लिए, सकट चौथ का व्रत रखा जाता है, तो सबका हमें तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सकट चौथ की। और ये टाइम पर क्या है कि इतनी ज़्यादा पूरी टोली लेके आवत हैं बंदर, और काले वाले बंदर हैं, बहुत उधम मचाए हैं। और खाना हमारा बन चुका रहे, कढ़ी बने जो कल की रखी रही वही लिया है, और सब्जी बना हुआ रहे पराठा और चावल। और पापा खाना खा के चले गए रहे, बाकी हमें ही दोनों लोग बचने हैं। क्या तीनों लोगों का आज खाना बनेगा, और सबके ही अपने अपने रिवाज के तरीके से यह सकट चौथ की पूजा होती है। और हमें यह कैसे हुई रही यह सब हम पूरा ब्लॉग में दिखाए हैं। और आप लोगों का जरा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीनो वीडियो का। और यहाँ पर अम्मा दूध रख दिए ने, और अब बने जा रही है ये मखाना और छुहारा की खीर। और यह पूजा करे के बाद में मम्मी अम्मा खाती हैं शाम का। और ये मैं थोड़ा सा छुहारा का गर्म पानी में भिगो दिया रहा है, वही के बाद फिर पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और इस ये तरीके से डालो ना दूध में तो बहुत ही अच्छी खीर बनती है, अच्छा सा दूध गाढ़ा भी हो जाता है। और मखाना भी डाल दिया, छुहारा भी, और बस एका धीरे धीरे पका लेक है। तो लाइट आवत रही है तो खीर वाला काम हो चुका है। और वही के बाद फिर यहाँ पर पिन्नी बनाई जा रही है, क्योंकि पूजा में पिन्नी बहुत ज़रूरी होती है। और कऊ को चावल की बनावट है, कऊ आटा की, तो हमें यहाँ आटा का ज़्यादा वराहत है, जिसे चावल के खाए मन होते हैं तो फिर उनमें थोड़ा सा आटा डाल लीन जाते हैं। लेकिन ये बार सूजी रखी रही है तो फिर सूजी के बनाए जा रहे हैं, और सूजी भी आटा ही है। तो इमें घी डाल के एक कटोरी सूजी डाल के अच्छे से भून लेने। और यह मिल्क पाउडर रखा रहा है, दिवाली के टाइम पर आवर है, और यह खाए में सबका बहुत अच्छा लगा था। इमें मीठापन भी है ना, तो ऐसे भी सूखा भी खाए में अच्छा लगा था। तो थोड़ा सा हम भाई के लिए रख दीन है, बाकी इमें डाल दीन है। तो इमें अच्छे से मिलावे के बाद एका मम्मी हटा लेने है। और गरम कढ़ाई है तो वही में नारियल का बुरादा रखा रहा है, तो वह हम थोड़ा सा डाल दिया है। और जब भी पहले सकट चौथ की पूजा होती रही ना, तो खूब सारी पिन्नी बनाई जाती रही और बहुत सारी चीज़ें और भी डाल जाती। लेकिन आज जब भी हम लोग कुछ बना रहे हैं ना, तो मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। जब से नानी की तबीयत का है कि बिल्कुल ठीक नहीं ना, जैसे कि आप लोगों का हम बता चुके हैं, तो ये लिए बस मन उनके पास ही रखा है और काम करे का मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन अब त्यौहार है तो बनावे तो पड़बे करी। और वही कढ़ाई में डाल दीन गा रहा है एक कटोरी चीनी, और चाशनी बना के फिर वही में जो मिला के रखा रहा है वह डाल दिया है, और थोड़े से मेवा डाल दिया है। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मलाई भी डाल लीन हो, वह भी बहुत ही अच्छी बनी। और तुरंत तुरंत ही हम लोग बनावे लागे ने, कहे या ना एकदम कड़ा टाइट होए लग रहा है, तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग बनाए। काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा है तो हाथ बिल्कुल जले जाते रहे, लेकिन अगर तुरंत ना बनाए तो काफ़ी टाइट हो जाते, ज़्यादा चाशनी हो चुकी रहा है ये वजह से। और बाकी सारी चीज़ें जो भी चबैना लागत है वो बाज़ार से मंगा लिया गया है। और बाकी अगर घर में बनाए पड़े तो इतनी ज़्यादा ठंडी होती है तो बनाए बहुत ज़्यादा, अब ज़्यादातर सब लोग बाहर से ही मंगा लेती हैं। तो यहाँ पर हमारे लड्डू बन चुके रहें और बर्तन खूब सारे इकट्ठा हो गए हैं, मम्मी धुले जाती रही तो फिर हम कहा कि हम धुल दें थन। और आज व्रत है मम्मी का, ऐसे तो मम्मी की ड्यूटी लगी रहती है बर्तन मानी, लेकिन आज कहा कि हम धो लें थन। फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के कढ़ाई का साफ कर लिया रहे और ब्लॉग बनाई थन। तो कोशिश यही रहा थी कि आप लोगों के साथ में हम अच्छी अच्छी सारी चीज़ें शेयर करी, अच्छे से मुस्कुरा के बोली। कहा है कि हर इंसान के जीवन में सुख दुख होती हैं, और ब्लॉग देख के ही आप थोड़ी देर के लिए लेकिन आप मुस्कुराहत रहो, लेकिन आपके साथ में हम सुख भी शेयर करी थन। तो इस टाइम पर हम हमारे ऊपर जो भी दुख है तो हम आप लोगों के साथ सुख दुख दोनों चीज़ें बांटी थन, शेयर करी थन।
और पता है कि आप लोगन का भी समझ में आई, और कोशिश है करी थन कि आप लोगन का ब्लॉग अच्छा लगे। तो बर्तन वगैरह सब तैयारी हो चुकी है, अभी हो चुकी है शाम के शायद 5:30 बजे रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी रंग लगावे जाती रही हैं, तो पहले कहन के लाओ तुम्हें लगा दे थन, वही के बाद फिर अपने लगई हैं। और जब से मम्मी नानी का सुने ना तो बहुत ज़्यादा उनका दिमाग परेशान हो गया है, लेकिन अब त्यौहार भी है तो आज मम्मी सोचन कि त्यौहार हो जाए वही के बाद फिर नानी से मिले कल जाई हैं, तो ये वजह से फिर मम्मी का रुके पड़ा, नहीं तो फिर आज ही जाती मम्मी। और यहाँ पर रंग लगावे जाती रही, तो काफ़ी ज़्यादा रंग का जो डिब्बी रही ना उससे काफ़ी रंग गिर गया है मम्मी से, तो अभी ना हम आप लोगों का देखेंगे बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो गया है, चमकत रहा है पूरा। तो ऐसी बात ही ऐसी है कि चाहे जितना भी दिमाग का शांत करे कोशिश करें, बार बार मन हुए पर जाते हैं। और आप लोगों के साथ हम जो ब्लॉग रोज नहीं शेयर कर पाए थे, कारण बस यही है कि ब्लॉग ना तो बनावे का मन करत है ना ही विकट डाले का मन करत है। तो आशा है कि आप लोग हमें ये बात का समझ जाइए। हो सारी तैयारी हो चुकी है, और जब चंद्रमा उतारा निकली है तब यह पूजा होती है ना, गौधुरिया में जब दिया जलावा जा तब पूजा होती है। तो अभी सारे कपड़ा उपड़ा रखी दीन है, काहियां पर बहुत ठंडी लागे लागी है। तो अभी पूजा का टाइम बस हो ही चुका है, और दिया बत्ती जिस टाइम पर जलाई जाती है वही के टाइम पर पूजा शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर चंदन घिस दीन है, यही से मम्मी सकट माता का बनी है, और यह है सारा कुछ प्रसाद जो कि माता जी माँ चढ़ी चबैना, जेमा की चने का लड्डू लैया और लावा है, और यह जो सूजी के लड्डू बनाया रहा है वह, और एक कच्ची शकरकंद लागत है, और एक उबली हुई शकरकंद, और यह है सौंठ का सुठैला जो है लड्डू बनाना है मम्मी वह है, और ये सूजी के लड्डू तिल है काले और सफ़ेद वाला, और रामदाना। तो दो ही दिन सारी चीज़ें रखी हैं, कहा कि मम्मी भी चढ़ी हैं अम्मा भी चढ़ी हैं, तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं सकट माता, और चार पुतला बनती हैं, मतलब सकट माता चौथ है तो चार माताएं बनती हैं। हम सारी तैयारी करते जा रहे हैं, और मम्मी अम्मा पूजा कर रही हैं। संगठा मैया की जय। तो यहाँ पर सब चंदन वगैरह लगावे के बाद में फिर उसके बाद सारा चबैना यहाँ पर मम्मी और अम्मा चढ़ा रही हैं। ब्राह्मण को आनी रही पंडिताएं पूजा बहुत करती रही हैं, गणेश भगवान की रोज गंगा नहाए जाए, रोज मतलब पूजा करें, गणेश भगवान की पूजा करें। तो एक दिन उनका जन्म नारद जी मिले, कहें पंडिताएं तुम बहुत पूजा उजा करती हो गणेश भगवान की, और कुछ हो मतलब देहन तुम काबे तक गणेश भगवान। तो कहन की जो उन्हें हम का तो नहीं देहन, हम मतलब पूजा करी थन। तो कहन की जो हाँ कहन हमको मिलते हैं नहीं यही गणेश भगवान। तो नारद जी कहन अरे जाओ जो उन्हें मिली है तुम का मिले प्रगट भे। तो कहन बूढ़ा का मांगती हूँ, हाँ हम कहन एक ही वरदान दे थे। तो कहन की हाँ हमें एक ही, तो कहन का चाहिए, कहन सोने के हमरे नाती होए वह सोने के कटोरा में दूध भात खाए और हम टुकुर टुकुर देखी। तो गणेश भगवान कहें अरे जा बूढ़ा या कौनो या नारद वारद के कि वह घुमाई जाए तो वही नर जाओ एव मस्त। तो कहन मतलब दई दहन बूढ़ा का। तो फिर जब बूढ़ा आई लौट के तो मतलब लड़को के जब लड़के पास धन हुई तो वही सोने कटोरा बनी होएगे गणेश भगवान के कथा। आँखी हुई है तो फिर टुकुर टुकुर देखी के तब ही देखी है, यही तना भगवान सबका गणेश भगवान पूरा करो सबका धन दौलत लड़का बच्चा। हवन हो चुका है, आरती हो जा रही, संगठा मैया की जय। जय हो संगठा मैया, सबकी रक्षा करो, नानी की भी तबीयत ठीक कह दो संगठा मैया। आरती आवती का संगठा। तो कथा होए के बाद में फिर आरती हुई रही है, तो चार कथा भई रहे, और अभी पापा भी आ चुके हैं खेत से। सबको प्रसाद लाई लो, आरती लाई लो सब जने। जय संगठा माता की। ये लो प्रसाद, ये तिल का लड्डू। सबने अपने अपने पसंद की चीजें उठा लिया है, अब मम्मी और अम्मा तो खाएंगी नहीं, ललचाई है मम्मी अम्मा। व्रत है आज पसंद कर लिया है, आप लोग भी खा लो। लैया है ये, और ये तिल। कपड़ा
पांवला की पांच तबीयत ठीक है लो इनते बात कर लो बिटिया ते हेलो अम्मा हाँ अम्मा बता दे का लिया ही पे हाँ आई बे खूब आशीर्वाद दियो अम्मा ही पंचन का खूब सुखी रहे हाँ बस करो। पूजा से उठे के बाद में फिर मामी का फोन आ रहा है तो नानी से थोड़ी सी बात हुई है मम्मी से। अभी दो दिन से तो भी बोल भी नहीं पाती रही ठीक से, लेकिन पूजा के बाद में फिर बात हुई है तो काफ़ी ज़्यादा राहत हुई है और उनके ठंडी लग गया है, ये वजह से उनका बहुत ज़्यादा दिक्कत भी, बहुत कमजोरी भी आ गई। उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खा लिया और दूसरे दिन की यह क्लिप है। अब मम्मी तैयार हो करके जा रही हैं। ज्यादा देर बैठो ना पहुड़ जाओ ठीक है दही। देखो अम्मा बैठी है, अम्मा का अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग चले गए हैं तो, और मम्मी लोग अभी निकल चुकी हैं और अभी हम लोगों ने खाना खाया है। अम्मा खा चुकी थी बस हम नहीं खाए थे, हमने कहा जब सब लोग मतलब और सब लोग पापा लोग मम्मी लोग खा चुकी थी हम बाद में भी खाएं। तो नानी की तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, हॉस्पिटल से अब घर आ गई है लेकिन पूरा आराम तो नहीं है अभी, क्योंकि शरीर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और सब लोग देखने भी आ रहे हैं तो मम्मी लोग भी गई हैं देखने, और जो भी होगा हम आपको फिर बताएँगे अगले वीडियो में, अभी तो आज मम्मी देख करके बताएँगी, ज़्यादा कमजोरी है तो तो भगवान से यही प्रार्थना करिए आप लोग भी हम लोग भी। साल जी जाती तो ना दो चार साल महीना जी जा। जो भी होगा आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।